हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं जो रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो मैं मसाले बनाना बता रही हूँ, जो कि कर्नाटक का सबसे फेमस रेसिपी है बेले बिसी बात। तो इसके लिए जो हमें मसाला बनाना होता है वो उसमें एक खास तरह के इंग्रेडिएंट्स वो डालते हैं मसाले के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है जिसको कि मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और तब तक जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि बिसी बेले बात के लिए हमें किस किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले मैंने कोरिएंडर सीड ले रखा है करीब हाफ कप। ये मैंने येलो मस्टर्ड सीड ले रखा है करीब हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून पॉपी सीड्स, हाफ टेबल स्पून आपका मेथी, फेनुग्रिक सीड, करीब 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, 1/4 कप मैंने करी लीव्स लिए हुए हैं। मैंने ड्राई यूज किया है, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। ये मैंने करीब हाफ टेबल स्पून क्यूमिन सीड, 3 रेड चिली, ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले रखे हैं जिसमें कि और ये मैंने 1/4 कोकोनट क्रम्स लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कढ़ाई गरम हो चुका है। अब हम अपना जो मसाला है उन सबको फ्राई करेंगे, लाइक रोस्ट करेंगे हम उनको। तो और ये मैंने नमक ले रखा है थोड़ा सा। तो जस्ट ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें करीब 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो कोकोनट है उसमें ऑयल रहता ही है, तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है और हमें इसे ड्राई ही रोस्ट करना है। तो ऑयल को हम गर्म होने के लिए देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब सबसे पहले जो हमने चने की दाल ली हुई है उसको फ्राई करेंगे, और फ्रेंड्स सारे इंग्रेडिएंट्स हम बारी बारी से फ्राई करेंगे। और अब हम करीब 1 मिनट के बाद अपने उड़द की दाल को डालेंगे। और उसको भी करीब 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। तो अब करीब 1 मिनट हमारा उड़द का दाल भी हो चुका है। अब जो ये कोरिएंडर सीड है अब हम वो डालेंगे। हम इसे भी करीब आधे सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, आधे मिनट के लिए सॉरी फ्राई कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, हम अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे, और जीरा जीरा और मिर्ची हम डाल देंगे। हीट थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है और दालें हैं वो जले नहीं। और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम अपना मेथी सीड भी इसमें डाल देते हैं इसको भी फ्राई होने के लिए। अब इसे भी हम करीब 1 मिनट तक फ्राई होने के लिए दे देते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम अपने बाकी के भी मसाले डाल देते हैं, येलो सीड और पॉपी सीड, और जो हमारा कोकोनट स्क्रैप है वो भी डाल देते हैं, और करी लीव्स भी हम साथ में डाल देंगे। और अब हम इसे फ्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए अब हम फ्राई होने के लिए दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये मसाला है ये अभी ये पूरी तरह से भून चुका है। तो अब मैं गैस स्टोव बंद कर दूंगी अपना, और अब हम इस कढ़ाई को हटा देंगे इस पर से, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो मैंने जो ये रोस्ट करके रखा था ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पीस लेंगे, पीस करके हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे पीस लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसे हम टाइट कंटेनर में डाल लेंगे, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो बीसी बेले भात का ये पाउडर तैयार हो चुका है। तो अब आप इस मसाले को तैयार करें और बीसी बेले भात बनाएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, और इसे एक टाइट कंटेनर में आप बंद करके रख सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।